हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं भाई। ईथर रेडी लिखिएगा। ईथर अब देखो, आपको जो ईथर है, अगर हम फंक्शन को देंगे भाई, ये कौन सा फंक्शन हो गया, कैसे पहचान हो गया, तो इस तरह से लिखते हैं। या फिर हम इसको एक और तरीका है, ऐसे लिख ले ROR। ठीक है, अब इस तरह देखो, जो आपका ईथर है वो टू टाइप होता है। कितने टाइप के? टू टाइप्स। ठीक है, एक आपका है सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा आपका अनसिमेट्रिकल। देखना इधर भाई, पहला आपको क्या बोला गया सर? सिमेट्रिकल। पहला क्या आपका? सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा आपका है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, आप इसी को देखो किताब में लिखा रहेगा, दैट इज सिंपल ईथर। सिंपल ईथर, और इधर देखो, इधर लिखा रहेगा मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर, अब सिंपल ईथर देख लो आप भाई। सिंपल ईथर में क्या मिलेगा आपको सर? सिंपल का मतलब हो गया आर बराबर आर डैश, आर बराबर, यानी यहां पे सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप होगा। कैसा होगा? सेम टाइप अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप समझते हैं? बोलिए भाई। देखिए यहाँ पे ये जो R है ना, दैट इज अल्काइल ग्रुप। ये क्या है? सेम टाइप का मतलब, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, CH3 ऑक्सीजन, CH3 दोनों साइड एक एक कार्बन है ना, इसी को बोलते हैं सिंपल ईथर। या फिर इधर देख लीजिए, C2H5O, C2H5, दैट इज सिंपल ईथर। ठीक है भैया, मिक्स में लिख लीजिएगा आर नॉट इक्वल टू आर डैश, यानी जो आर है और आर डैश वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप। क्या बोल सकते हैं भाई? डिफरेंट टाइप अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अब एग्जांपल देख लो भाई, जैसे CH3O C2H5 है ना डिफरेंट। या फिर आप ऐसे देख लो सर, इधर एथिल लिख लो, ETOPT, मतलब एथाइल और प्रोपाइल, हो गया ना डिफरेंट। इसको मिक्स्ड ईथर बोलते हैं, और ये आपका सिंपल ईथर। नेक्स्ट इसमें आता है इसका आयुपैक नेम। नाम सुने होंगे, IUPAC नेम। और इधर फिर क्या, यहां भी क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। ठीक है, अब देखिए, जब आप अगर पहले नेम की बात, किसका नेम का, देखिए आपके दो नाम होता है, एक आपका नाम होता है कॉमन नेम। नाम सुने कभी? पहला आपका हो गया कॉमन नेम। बोलिए, अब कॉमन नेम में क्या होगा? देखिए, जो भी बोलेगा, ऐसे एग्जांपल डाई अल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं? डाई अल्काइल ईथर। कॉमन नेम क्या होगा भैया? डाई अल्काइल ईथर। जैसे आप यहां देख लो सर, ये मिथाइल है ना, और इधर भी क्या है? मिथाइल, तो बोलोगे डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम बताइए, बोलिए कस के, डाई एथाइल ईथर। समझ गए आप? ये कॉमन नेम है। ठीक, अगर इसका इधर देखिए, कॉमन नेम इसका, जब इसका कॉमन नेम लिखिएगा तो अल्फाबेट में लिखते हैं। कैसे? जैसे बताओ, मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल? तो लिखेंगे यहां पे इथाइल मिथाइल ईथर। समझ गए भैया? इधर बताओ, इसमें कौन पहले आएगा, इथाइल या प्रोपाइल? तो इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है भाई, अब अगर हम आयुपैक नेम की बात करते हैं, किसका, तो अब देखो बस इतना ही देख लो आप कि सर, अगर सिमेट्रिकल हो कैसा, और दूसरा आपका क्या है? अनसिमेट्रिकल, यानी CH3OET है ना, अनसिमेट्रिकल। तो जब सिमेट्रिकल ईथर होगा क्या होगा? तो इसका जो आयुपैक नेम का जो तरीका होता है, दैट इज अल्कॉक्सी अल्केन। अल्कॉक्सी अल्केन, अब देखो यहां पे सेम टाइप के कार्बन है ना भाई, दोनों साइड, दोनों साइड कैसे कार्बन है, सेम टाइप का ना, किसी भी एक साइड आप ऑक्सी जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जैसे देखो है ना, एल्कॉक्सी, एक जैसे मान लो मेथॉक्सी, क्या हो गया? मेथॉक्सी। अल्केन है, एक कार्बन तो मीथेन बोल देंगे,
बोलो भाई वैसे ही बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, ईटीओईटी का नाम बताओ। एकदम सही, इथॉक्सी इथेन। ये समझ गए भैया? बोलो भाई। तो ये सिमेट्रिकल है कैसा? अब देखना, अब यही अगर हम यहां पे आ जाए सर में MEOET, ठीक। आप अपने मन से बताइएगा सर, जो हम लोग रूट वर्ड में एन जोड़ते हैं कि साइड ब्रांच में? रूट वर्ड में जोड़ते हैं बस। अब इतना आप याद रखो कि सर जो ये एन बनाओगे, अल्केन पढ़ोगे, यानी इसमें कार्बन ज्यादा कहां पे है? इसलिए इसमें एन जोड़ देंगे। अच्छा कम होगा उसमें ऑक्सी जोड़ देंगे, कम वाले कार्बन में ऑक्सी जोड़ देंगे, और जिधर ज्यादा कार्बन होगा उसमें एन जोड़ देंगे। तो बताओ भाई इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? मेथॉक्सी इथेन। बोलो। अगर एक एग्जाम्पल हम ऐसे लिखे सर MEOPT, तब क्या बोलोगे? मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। अब इसी में देखो एक सवाल कभी कभी आइसोमर लाके लपेट देता है कि सर अगर मान लो हमको दे दिया CH3O CH2 CH2 CH3, है ना? ये नहीं सीखा हमने, ओपन चेन बना दिया, इसका नाम क्या होगा फिर? तो यहाँ पे हम इस ईथर को पहले सेलेक्ट करेंगे, इस ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लिए। बताओ किधर पैरेंट चेन है? तो उधर नंबरिंग स्टार्ट करोगे, क्या करोगे? 1 2 3। अगर ये पैरेंट चेन हो गया तो ये साइड चेन हो गया ना। ये साइड चेन किस कार्बन से अटैच्ड है? 1 से 2 से 3 से, तो ऑक्सीजन किस नंबर वाले कार्बन से? 1 नंबर वाले कार्बन से 2 से। तो यहां बोलेगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर इसी सवाल को दोस्त देखो, अगर आप थोड़ा समझना, हम अगर ऐसे लिखते CH3CH OCH3CH3, नहीं समझे यार? अब देखो ये जो ऑक्सीजन अटैच है वो इस कार्बन से अटैच है ना, तो इधर जो पैरेंट चेन होगी 1 2, अब वो किससे अटैच है? तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, नोट करो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नोट कर लो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिटाने लगाएंगे। इतना आप समझ गए भाई, फटाफट नोट कर लो कि नोट कर लियो आप। देख लो भैया फिर से, इसमें है क्या? ईथर आपका फंक्शनल ग्रुप है ईथर, आप फटाफट लिखो जल्दी से। ईथर में देखो आपका ऑक्सीजन है, ये बाइवैलेंट होता है। जैसे एक नाम आपने कभी सुना होगा डाइवैलेंट, अरे को था बाइवैलेंट। डाइवैलेंट का मतलब जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अब बाइवैलेंट तब बोलते हैं जब वो इस तरह का सिंगल बॉन्ड बनाना दो साइड, जैसे आपने कभी कीटोन का नाम सुना होगा, वहां जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, उसको डाइवैलेंट बोलते हैं। बाई का मतलब यहाँ देखिए दो बॉन्ड अलग अलग बना रहा है, इसलिए ये बाइवैलेंट है। ये आपका ईथर, ये अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ देखिए जो अल्काइल ग्रुप है ये 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो अगर सेम टाइप का हो दैट इज सिमेट्रिकल ईथर, अगर ये डिफरेंट टाइप का हो अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल को ही हम एनसीईआरटी में सिंपल ईथर बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल को मिक्सड ईथर। अगर वही क्या है, अगर अल्काइल ग्रुप सेम टाइप का हो, यानी अल्काइल ग्रुप सेम टाइप का हो दैट इज सिमेट्रिकल। एग्जांपल देख लीजिए CH3O CH3 C2H5O C2H5। वैसे इधर देखिए अल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप का हो गया, इधर 1 कार्बन तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन तो यहाँ पर 3 कार्बन। उसके बाद देखिए ईथर का नेमिंग है, तो पहले नेमिंग में देखते हैं कॉमन नेम, क्या देख रहे हैं? कॉमन नेम, जिसे कॉमन नेम में हो गया डाई अल्काइल ईथर, यानी कि सेम टाइप का है तो डाई मिथाइल ईथर या फिर डाई एथिल ईथर। अगर यहां देखे तो यहाँ अल्फाबेट देखे क्योंकि डिफरेंट कार्बन हो गया ना भैया कॉमन नेम में, तो पहले एथिल आएगा कि मेथिल, इसलिए इथाइल मिथाइल ईथर, इधर एथिल प्रोपाइल ईथर। जब आयुपाइक नेम में आएंगे तो सर जब सेम कार्बन किसी में ऑक्सी जोड़ दीजिए, ठीक है, तो जैसे 1 कार्बन जोड़ दिए मेथॉक्सी हो गया मेथेन, एथॉक्सी एथेन। बट अनसिमेट्रिकल में थोड़ा देखेंगे, लिस्ट कार्बन मोर कार्बन, जिधर कार्बन कम होगा भैया वो साइड ब्रांच हो जाएगा। आपने कभी सुना होगा सर जहां कार्बन कम होता है वो साइड ब्रांच होता है, साइड ब्रांच में ऑक्सी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी, याद रहेगा? जब ज्यादा कार्बन होगा उसमें एन जोड़ देंगे, अल्केन की तरह एन। नहीं समझ पा रहे? दूसरा मैटर,
कि अगर आप देख लेना कि भाई कहिए अगर मान लो जैसे तीन चार कार्बन है तो उसमें आप देख लो कि इधर किस कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि जो आपने कभी सुना होगा फंक्शनल ग्रुप टू टाइप होता है, चेन टर्मिनेटिंग नॉन चेन टर्मिनेटिंग, इधर आपका नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, समझ रहे हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि भाई ये लंबी चेन में कहां से अटैच्ड है कि नहीं। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो सर इसमें और इसमें किस टाइप का आइसोमर है, पोजीशन। बट जब आप मेटामर पढ़ते हो तो वहां कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? क्योंकि मेटामर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप का चेंज, जैसे यहाँ तीन कार्बन तो एक कार्बन, बट यहाँ अल्काइल ग्रुप कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ तो तीन कार्बन है, नहीं समझा। तो नेक्स्ट चलें फिर आगे, आगे लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मिटा देना भाई। नेक्स्ट लीजिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ये ब्लू कलर दिख रहा है, यस सर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसमें देखिए जो तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक पढ़ोगे आप विलियमसन सिंथेसिस, ठीक, और एक आप पढ़ोगे एच आई प्रोसेस, ठीक। अब यहां देखो पहला लिख लेना बाई गंस, लिखिए पहला बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट मेथड है वो पढ़ेंगे फिलहाल, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब बताएंगे आप कुछ सर, जिसमें पानी ना हो। बहुत अच्छा, यानी हमें यहां पहले कोई यूज करना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक, जो रिमूव कर दे वाटर को, जो क्या निकाल ले, जैसे कि कहीं पानी में अगर आप सोखता डाल दो क्या हो जाएगा, फिर सोख लेगा ना, वैसे ही आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये जहां यूज करेंगे वहां से पानी को सोख लेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक, या लाइक में ऊपर लिख रहा हूं लाइक, जैसे आप जो हम यहां पे जो यूज करेंगे फिलहाल वो H2SO4 या फिर H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन है ना, इसलिए कॉमन नाम भी बोल सकते हैं प्रोटिक एसिड, क्या बोल सकते हैं भैया, प्रोटिक एसिड, वो एसिड जो हमें बस प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग प्रोटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो एक बार थोड़ा सा, CH3CH2OH हम दो मॉलिक्यूल से ले लेने फिलहाल, ठीक। अब यहां देखना, यहां हमने क्या लिया और यहां भी क्या लिया, अपना छापते भी रहो जो तुम्हें लगे लिख ले रहे हो। अब यहां टेम्परेचर थोड़ा देखना आप कितना लिए, 443 केल्विन, और यहां क्या लिए भाई 413 केल्विन, अरे भाई वो 443 है, ये 413 है, 443 केल्विन 413 केल्विन, बोलो भाई। तो यहां देखो फिलहाल एक बार थोड़ा देखना दोस्त, यहां जो प्रोडक्ट बन रहा आपका वो फिलहाल ये बन रहा है, क्या बना, और यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका ऐसे मान लो आर ओ आर डैश। अब बताओ अगर एल्कोहल से अल्कीन बने तो किस टाइप का रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सर रिडक्शन है ना, यहाँ पे आपका फिलहाल एलिमिनेशन है, यानी जो अल्कीन का प्रिपरेशन हो रहा है किस क्या है, एलिमिनेशन। कैसे, ऐसे मान लो अपने मन से सर यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच निकला होगा वाटर, हाँ। तभी तो डबल बॉन्ड बना होगा, यस बोलो भाई। और ईथर बनने का मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्या हुआ है, तो यानी आप यहाँ एक बात फिल करके बताओ कि हाई टेम्परेचर लोगे तो क्या होगा और लो टेम्परेचर लोगे तो क्या होगा, और मैं जो प्रिपरेशन करना उसके लिए क्या टेम्परेचर लेना चाहिए, हाई टेम्परेचर लेने
एलिमिनेशन हो जाएगा। लो टेम्परेचर लेंगे तो सॉफ्ट टिश्यू, हमें क्या प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन क्या करना है, ईथर। तो ईथर के लिए आप एलिमिनेशन कराओगे कि सॉफ्ट टिश्यू कोई नहीं, नहीं समझे मेरी बात, हमें क्या प्रिपरेशन करना है। अगर हमें देखो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है आपका एलिमिनेशन, इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, आप कौन सा टेम्परेचर फोकस करोगे, लेस टेम्परेचर ना, क्योंकि हमें क्या प्रिपरेशन करना है। तो फटाफट इतना नोट करते हम इसका मैग्नीज़म लिखा जाए फिर। जब भी आप देखोगे हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है, आप एलिमिनेशन से पढ़ेंगे E1 E2 E1 CB कभी पढ़े वहां पे, मजा एक बार मिलाना, मिलेगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या मिल जाएगा। चलो चले आगे थोड़ा सा, बन गया भैया। अब देखो ये जो जो सब्स्टिट्यूशन है ये फिलहाल आपका SN2 मैग्नीशियम के थ्रू होता है, किसके थ्रू, SN2 मैग्नीशियम, ठीक। और SN2 का मतलब कुछ बताते हैं, बताओगे SN2 के बारे में। सर यहाँ पे बैक से अटैक होता है, दूसरा बात ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तीसरी बात इन्वर्जन होता है। बोलो भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेस इंड्रेंस होना चाहिए या फिर लेस क्राउडेड। न्यूक्लियोफाइल इसमें जो भी आप लोग अटैकिंग स्पीसीज वो वहां अटैक करेगा जहां पर लेस एंट्रेंस होना चाहिए या फिर लेस क्राउडेड होना चाहिए। बोलो भाई, ये बात समझ रहे हो, लेस एंट्रेंस या लेस क्राउडेड। चलो, क्योंकि जो SN2 होता है ये भी आप जानते हो सबसे अच्छा होगा 0 डिग्री पे, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, 3 डिग्री पे होता ही नहीं SN2। ये बात समझ पा रहे हो भाई, नहीं समझ पा रहे, इसको मिटा दे। हमने देखो एल्कोहल लिया ना, बट हमने कितने मोल लिया है, दो मोल, और आपने साथ में यहाँ क्या लिया, रिएजेंट में क्या लिया, फिलहाल आपने क्या लिया रिएजेंट में, H2SO4। अब देखो वो क्या करेगा, जो प्रोटिक एसिड है पहले होता है प्रोटोनेशन, पहले क्या करेगा वो प्रोटोनेशन, देखना प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन समझते हो आप क्या, नहीं, एडिशन ऑफ H+, एडिशन ऑफ H+ आयन इन एल्कोहल, एडिशन ऑफ H+ आयन इन एल्कोहल, इसी को दोस्त बोलते हैं प्रोटोनेशन। आप खुद ही सोचो, एडिशन ऑफ प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, नहीं समझ पा रहे, बस हम इतना चाहते हैं भैया कि पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में हम एक मॉलिक्यूल से लेते CH3CH2OH+H+ आयन, क्या ले लिए, तो पहले देखो यहां बन जाएगा CH3CH2OH+ पॉजिटिव चार्ज, इतना देख लो बन गया ना भाई। बोलो अब सुनना, ये पहला स्टेप है, ये क्या है पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, सिर्फ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, या फिर इसी बोलते हो हाइड्रोनियम आयन, ब्रैकेट में लेकिन वाटर, ब्रैकेट में वाटर, ठीक। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ध्यान से सुनना, ये जो CH3CH2 ये बना ना पॉजिटिव चार्ज, बोलो। अब ध्यान से थोड़ा सुनना मेरे भाई, चल मैं अगर इसको यहां पर लिख दूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन, CH3CH2O अगर ऐसे लिख दे कोई ऑब्जेक्शन आपको यहां पे, अगर हम लिख दे तो आप समझना, ये ऑक्सीजन पहले किससे अटैच था, कार्बन से। अब जब हुआ क्या कि ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई कि घट गई, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन और खींचने लगेगा ना, बोलो भाई, और जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा तो कार्बन तभी इसको इलेक्ट्रॉन देगा जब कार्बन को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मेरे बात प्यार से समझो मेरे भाई, सुनना ध्यान से, मैंने लिखा ना कार्बोकैटायन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो दोस्त कार्बोकैटायन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो वो भी तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, नहीं समझे,
तभी तो इलेक्ट्रॉन उठेगा ना अपना ऑक्सीजन को। बोलो ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बन से, इसको भी इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलना चाहिए। इसको जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा जो मॉलिक्यूल अल्कोहल का वो देगा। आपने दो मोल मॉलिक्यूल लिया था ना अल्कोहल का, ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये अपना लोन कर देगा कार्बन को। किसको? जब कार्बन को देगा उसी समय ये अपना यहां से वाटर निकाल देगा। क्या ये जानते हो कि सर जब अपना लोन पीरियड दे देगा इसको, इस पर कोई चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोलो, बस हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 OH पॉजिटिव CH2 CH3। बोलो भाई इतना समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अच्छा पहले स्टेप में क्या लिखे थे? पहले स्टेप में सिर्फ प्रोटोनेशन होगा। अब हमें लिखेंगे डीप्रोटोनेशन। क्या लिखेंगे? डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन। ठीक, अपने मन से बताओ तुम्हारे पास यही है ना भाई? यही है ना? अब देखो यहां सुनना मेरे भाई, बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेटी जब पॉजिटिव चार्ज है तो बढ़ गया कि घट गया पहले से? बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचना चाहेगा ना यहाँ से, यानी वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? अपने तरफ खींच लेगा। ये बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3। बन गया आपका इथर। तो ये समझ गए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का मामला। थोड़ा इसको नोट करो आप। ठीक है, नोट हो गया भाई? अब यहां फिर से देखो आप, थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट नोट करना आपको। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, लिखना पहले हेडिंग लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक बात बताओ अपने मन से यार, ये कौन सा मैग्नीशियम फॉलो कर रहा है इधर? तो जब भी एसएन2 अगर फॉलो करेगा, अभी थोड़ा सा ऊपर का मिटा दें। बोलो, अगर हम ऊपर की बात करें थोड़ा सा देखो, तो पहला पॉइंट हम ये लिखना चाहते हैं कि अगर बताओ SN2 होगा तो मोर हिंड्रेंस होना चाहिए कि लेस हिंड्रेंस? मोर क्राउडेड होना चाहिए कि लेस क्राउडेड? तो पहला पॉइंट ये लिखो इंपॉर्टेंट में कि सर अल्काइल ग्रुप, पहला पॉइंट अल्काइल ग्रुप शुड बी लेस हिंड्रेड या लेस क्राउडेड, जो आपको अच्छा लगे, लेस क्राउडेड। ठीक है, अब बताओ अपने मन से देख के बताना कि आपने अभी देखा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशंस, तो सब्स्टिट्यूशंस के लिए या फिर ईथर के प्रिपरेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए कि हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखे बताओ? लो टेम्परेचर इज रिक्वायरमेंट, या ऐसे लिख लें टेम्परेचर इज लो। बोलो भाई, नहीं समझे? बोलो, लिख लें टेम्परेचर शुड बी लो। बोलो अच्छे से, लिख लें एकदम अच्छे से शुड बी। अगर हाई ले लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा ना। बोलो भाई, अब देखो अगर तुम 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, कितना? ये तो हमने 1 डिग्री लिया ना मेरे भाई, ये हमने क्या लिया है? बट अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री लोगे, ये जो SN2 मैग्नीशियम है ये शिफ्ट हो जाएगा SN1 मैग्नीशियम में। क्यों? क्योंकि जब आप 2 डिग्री ले लोगे तो थोड़ा कार्बोकैटायन स्टेबल बनने लगेगा। कार्बोकैटायन तो देखो होता क्या दोस्त, कि अगर ये अगर कार्बोकैटायन 2 डिग्री का मान लिया होता तो ये अपने से निकल जाता, और न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही ये निकल जाता, क्योंकि 2 डिग्री वाला स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पे ये 1 डिग्री है ना, तो जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तब तक ये नहीं जाता है। बात समझो मेरे फिर से। अगर 3 डिग्री मान लो, अगर यहाँ पे कार्बन 3 डिग्री होता तो इसके आने से पहले यहां से वाटर चला जाता और कार्बोकैटायन बन करके बैठा रहता। जो आपने लिखा ना देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो आपने कभी सुना होगा सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक स्टेबल कौन होता है? उससे कम थोड़ा सा 2 डिग्री। अगर मान लो 2 डिग्री का अल्कोहल होता तो अपने से ही निकल जाता, उसको आने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं होती।
बट ये 1 डिग्री है ना, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं कार्बन को तब तक वो इसको जाने नहीं देगा। तो तीसरी पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, 2 या 3 डिग्री अल्कोहल, मैकेनिज्म शिफ्ट टू SN1, मैकेनिज्म शिफ्ट टू SN1। बस ऐसे फील कर रहे ना, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच लो, अगर कहीं आपको फंक्शंस में जाना हो और अगर आपको खुद इनवाइट मिल गया हो तो आप डायरेक्ट चले जाते हो, बट अगर जब किसी के साथ जाना होता है आप उसका वेट करते हैं ना। तो दोस्त उसी तरह से अगर मान लेना मेरे भाई, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो किसका वेट नहीं करेगा, वो निकल जाएगा अपने से, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल है। बट अगर ये 1 डिग्री है ना, इसलिए इसका वेट करेगा, नहीं समझे? फोर्थ लिखना पॉइंट, ठीक ना। अब अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा, तो वो SN1 तो होगा, SN1 में सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, बट अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी नहीं देगा, उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वो एलिमिनेशन को देगा। कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री वाला, क्योंकि मेरे भाई उसके अगर देखो 3 डिग्री कार्बन, तो उसके पास तीनों तो बड़े बड़े ग्रुप अटैच है ना, इसलिए वहां न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो लिख लेना इसमें कि 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, अब देखो ऊपर वाले लाइन में अगर आप देखोगे तो हमने दोनों लिखा है 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो तुम्हें और क्लियर बता रहे हैं कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें ज्यादा प्रायोरिटी हम SN1 को नहीं देंगे, SN1 से भी ज्यादा प्रायोरिटी उसी टेम्परेचर पे, जबकि और कोई चेंज नहीं होगा। ये लिख लो, 3 डिग्री अल्कोहल प्रीफर एलिमिनेशन rather than substitution, यानी हम substitution से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे देंगे भाई? एलिमिनेशन को। याद रहेगा? Yes, sir. बोलो, नहीं समझे भाई? नोट करो, सोचे एक बार, हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा एक बार ये हिंट कराओगे आप? थोड़ा सा बंद कर दो, हमें थोड़ा सा हिंट कराओ कि हमने आज क्या पढ़ा, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले हम लोग ईथर पढ़े ना भाई, ईथर में आपने पढ़ा सर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, फिर आपने पढ़ा सर कॉमन नेम दोनों का, फिर आपने पढ़ा यूपैक नेम दोनों का, बोलो भाई, फिर आपने एग्जांपल भी देखा, बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा, फिर आपने पढ़ा प्रोटोनेशन ऑफ ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4 या फिर H3PO4, बोलो भाई। फिर आपने उसमें पढ़ा दो तरह का सर, एलिमिनेशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी, तो हमको क्या प्रिपरेशन करना है? तो ईथर प्रिपरेशन करने के लिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे? सब्स्टिट्यूशन को। अब जो सब्स्टिट्यूशन है वो कितने स्टेप में हो रहा था? 3 स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ था भैया? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरे स्टेप में आप ऐसे कह सकते डिहाइड्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और हम तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन। अब आपने कहा सर एक बात हमको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट उसमें क्या लिखा आपने सम इंपॉर्टेंट में? अल्काइल ग्रुप लेस क्राउडेड होना चाहिए या लेस हिंडर्ड होना चाहिए या विल बी लेस डिग्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने उसमें लिखा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। तीसरा आपने क्या लिखा? अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 नहीं, क्या फॉलो करेगा? SN1। और फोर्थ आपने क्या लिखा? 3 डिग्री का है एलिमिनेशन, अगर 3 डिग्री किसको प्रायोरिटी देगा? एलिमिनेशन को। किसको? तो हम यहाँ ये समझना चाहते हैं, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस मेथड से क्या हर डिग्री वाले अल्कोहल से, मतलब जितने भी कार अल्कोहल कितने डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और क्या सबसे आप ईथर बना ले रहे हो इस मेथड से? Yes, 3D कुछ नहीं बनेगा।
तो क्या हर हर डिग्री ऑफ एल्कोहल से ईथर बनेगा? नहीं, बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब कि हमको इस ये जो मेथड है ये उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अल्कोहल पे डिपेंड कर रहा है। बोलो भैया, नहीं डिपेंड कर रहा है, यानी 3 डिग्री वाले अल्कोहल से हम ईथर नहीं बना सकते ना, यानी ये जो बनाने का मेथड है उतना बेटर नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस वाले से भी बेटर, इससे अच्छा कौन है। ठीक है, आज इतने रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।